ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ट्रेंड। और मैं हूँ शीतल। लॉकडाउन में घर पे बैठे इतने बोर हो गए थे कि मानो हमको किसी ने कैद करके रखा हो। तो आफ्टर स्ट्रेसफुल लॉकडाउन के बाद हमने 15 दिनों का अहमदाबाद टू कर्नाटका रोड ट्रिप प्लान किया, और कोविड के कारण हमने हमारी कार से ही जाना ज्यादा सेफ लगा और हम अपनी कार इनोवा लेके निकल पड़े। और इस रोड ट्रिप के दौरान मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी ऑफबीट अनएक्सप्लोर जगहें कवर करी और कर्नाटका को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो आने वाले जो भी ब्लॉग है उसमें सारी जानकारी मिलेगी डिटेल में, तो लास्ट एपिसोड तक देखना ना भूले, क्योंकि कर्नाटक टूर के दरमियान हम कहाँ रुके, कौन सा रूट लिया, कहाँ घूमे, वहाँ क्या फेमस है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि कर्नाटका इज प्रॉपरली वन प्लेस वेर यू विल गेट एवरी एलिमेंट ऑफ ट्रैवल, टेम्पल्स, फोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, रिवर, ओशियन, हिल, हिस्ट्री एंड व्हाट नॉट। तो एपिसोड 1 में पहले दिन हमारी जर्नी अहमदाबाद टू मुंबई, दूसरे दिन मुंबई टू गणपतिपुले और तीसरे दिन गणपतिपुले टूर विजिट की है। तो हमारी जर्नी अहमदाबाद से स्टार्ट होती है। हम अहमदाबाद से अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock को निकले। Day 1 हमने अहमदाबाद टू मुंबई ट्रैवल किया। अहमदाबाद से मुंबई का रोड डिस्टेंस 525 किलोमीटर का था वाया नेशनल हाईवे 48 से। वहाँ पहुँचने का हमें 9 घंटे का टाइम लगा। इसी दौरान बीच में हमने लंच किया और फिर एक बार रिलैक्स होने के लिए रुके। अहमदाबाद टू मुंबई हवे पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल्स और ढाबे आते हैं। आप जहाँ चाहे वहाँ फूड ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली हम मुंबई 4 बजे के आसपास पहुँच गए। तो हमारा पहला दिन अहमदाबाद टू मुंबई का था। वहाँ हमने नाइट स्टे किया और फिर दूसरे दिन हम मुंबई से गणपतिपुले के लिए रवाना हुए। Day 2 हमारा सफ़र मुंबई से गणपतिपुले का था। तो हम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock को निकले। मुंबई से गणपतिपुले का डिस्टेंस 323 किलोमीटर का था। नेशनल हाईवे 66 से 8 घंटे का रास्ता था, क्योंकि बीच में घाटियों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए डिस्टेंस कम होने पर भी टाइम ज़्यादा लगा। गणपतिपुले जाते टाइम सारे बच्चे एक गाड़ी में और हम बड़े दूसरी गाड़ी में, तो सबको बहुत ही मज़ा आया। बैक साइड में हमने पूरा लगेज और नाश्ता रखा था, जो आप वीडियो में देख सकते हो। तो हमने खपोली गोवा हाईवे गणपतिपुले जाने के लिए लिया। रास्ते में जाते टाइम आपको गणपतिपुले के बारे में थोड़ा बता दूँ। गणपतिपुले जिसे लैंड ऑफ गुड टाइम भी कहा जाता है, महाराष्ट्र स्टेट के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है, और जो कि ये वेस्टर्न इंडिया के कोंकण क्रॉस लाइन पे पड़ता है। तो आप इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे तो यहाँ ज़्यादातर टूरिस्ट बस या कार से आना प्रेफर करते हैं, लेकिन आप ट्रेन से आओ तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज रत्नागिरी, जो गणपतिपुले से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रत्नागिरी के आसपास ही केव्स आती है। इसी जगह पे दोपहर का खाना खाने के लिए रुके थे, और शाम के टाइम रास्ते में हमने सनसेट होते हुए भी देखा। तो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन गणपतिपुले पे पहुंच गए। हम वहाँ बीच फ्रंट विला में रुके थे। यहाँ हमारा 2 दिन का नाइट स्टे था। हमारी कर्नाटक टूर का पहला डेस्टिनेशन था गणपतिपुले। Day 3 में आपको सबसे पहले बीच फ्रंट विला की टूर कराती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सिस्टर के साथ आई हुई थी। करीबन हम 13 लोग थे। हम लोग ये विला पे रुके थे। ये विला में 3 रूम थे, जिसमें 2 छोटे कमरे थे और एक बड़ा हॉल था जिसमें 6 बेड लगे हुए थे। और ऊपर की साइड आगे जाते ही बहुत ही अच्छे विला आते हैं, जहाँ से पूरा सी व्यू दिखाई देता है, जो आप खुद ही देख सकते हो। एक विला में आगे उन्होंने गार्डन भी बनाए हैं और चेयर भी रखी हुई है, तो आप यहाँ बैठ के सी व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। और ये सभी विला के बीच में एक स्विमिंग पूल भी है।
और नीचे की साइड उन लोगों ने रेस्टोरेंट बनाया है जहाँ बैठ के आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हो। तो यहाँ हमने ओपन स्पेस में बैठ के ब्रेकफास्ट किया और नेचर को एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बीच पे गए जो बिल्कुल सामने था और पर्सनल था, तो वहाँ हमने एंजॉय किया। और फिर बीच से आने के बाद हम रेडी होके गणपति टूर विजिट के लिए निकले। तो सबसे पहले हम गणपतिपुले मंदिर में गए आगे दर्शन के लिए। गणपतिपुले मंदिर गणपति बीच पर लोकेटेड है, तो इसे टेंपल ऑफ स्वयंभू भी कह सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि इसके अंदर जो गणेश जी की मूर्ति है वो आज से कुछ 400 साल पहले खुद प्रकट हुई थी, इसीलिए यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इस मंदिर को जरूर विजिट करते हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्किंग लगा हुआ है। कैमरा अंदर अलाउ नहीं था इसीलिए अंदर का शूट नहीं कर पाई, बट इट वॉज वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। और गणपतिपुले मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुंच गए बीच थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। मैंने ऑब्जर्व किया कि बीच पे फिलहाल कैमल राइड, स्पीड बोट, बनाना राइड, हॉर्स राइड और एटीवी बाइक राइड जैसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल थी जिनका लोग काफ़ी मज़ा उठा रहे थे। तो यहाँ मैंने एटीवी बाइक राइड का चलाते हुए आनंद लिया। बीच पे स्टॉल भी लगे हुए थे जैसे कि कपड़ों का, खिलौनों का, फास्ट फूड का, नारियल पानी, कटलरी आइटम्स के सारे स्टॉल थे। वहाँ हमने नारियल पानी पीकर रिलैक्स करते हुए हमारी सेकंड विजिट मैजिक गार्डन की ओर चले। गणपतिपुले के ओवर क्राउडेड बीच को अवॉइड करते हुए एक ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो आपको प्राइवेट बीच की फीलिंग देगा विथ वेरी वेरी लेस क्राउड। गणपतिपुले का ये एक ब्यूटीफुल बीच है जहाँ हम थोड़ी देर रुके और थोड़े फोटो क्लिक किए। और बीच को एंजॉय किया। सेकंड हमने विजिट किया मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन के टिकट का प्राइस है 150 रुपीज़ पर हेड और साथ ही साथ कोविड की वजह से सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था। तो मैजिक गार्डन में एंटर होते ही अलग अलग एंटरटेनिंग पॉइंट्स है। तो सबसे पहले चलते हैं इन्फिनिटी पॉइंट पे। तो यहाँ एक छोटा सा रूम है, वहाँ छोटे छोटे LEDs लगाई हुई है और जहाँ पे भी हम देखेंगे वहाँ पे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। सेकंड एंटरटेनिंग पॉइंट है मिरर मेज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मानो कि हम भूलभुलैया में आ गए हो। और फाइनली कुछ मिनटों के स्ट्रगल के बाद हम बाहर निकल गए। थर्ड एंटरटेनिंग पॉइंट है वॉर्टेक्स टनल, जिसने लिटरली हमारा सर घुमा दिया। यहाँ स्क्रीन है जो गोल गोल घूमती है जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि हम मूव हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे तो यहाँ चक्कर आ गए थे। ये फोर्थ एंटरटेनिंग पॉइंट
हॉन्टेड हाउस था जो काफ़ी स्कैरी था। अंदर जाने में डर भी लगता था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। अगर आपके छोटे बच्चे हो तो लेके ना जाए, लेकिन बड़े लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हॉन्टेड हाउस का अंदर का नज़ारा। और ये है यहाँ का आखिरी एंटरटेनिंग पॉइंट और मैजिक गार्डन का मेन अट्रैक्शन द मैजिक शो। एंड बिलीव मी गाइस, ये एक प्रोफेशनल मैजिशियन है जिसकी ट्रिक्स आपको हैरान कर देगी। तो फ्रेंड्स, बच्चों को घूमने के लिए ये बहुत ही प्यारी जगह है ये मैजिक गार्डन। अगर आप गणपति बुले आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मैजिक गार्डन ज़रूर आए, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैजिक गार्डन के बाद हमने विजिट किया प्राचीन कोंकण म्यूजियम, जो कि एक्जैक्टली मैजिक गार्डन के सामने है। इस म्यूजियम में बहुत ही डिटेल में बताया गया है पुराने ज़माने के कोंकणी लोगों का लाइफस्टाइल, और इसकी टिकट का कॉस्ट है 40 रुपीज़ पर हेड। और अब क्योंकि ये म्यूजियम इतना बड़ा है और इसमें बताई गई एक एक चीज़ के बारे में अगर मैं डिटेल में बताने जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स। इसके अलावा यहाँ जैगर फोर्ट और बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जो देखने लायक है। तो फ्रेंड्स, गणपति पुलिस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड यहाँ होता है ख़त्म, और सेकंड एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊँगी गोवा, और पॉसिबल हुआ तो डंडेली लेकर जाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरी चैनल फैशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।